नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं नेहा ठाकुर और आज का जो व्लॉग होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में से एक सब्जी। जी हाँ, जो कि है ये देखिए, गुच्छी की सब्जी यानी कि चेउंग की सब्जी। हम लोग यहाँ पे चेउंग बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग 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 नामों से इस चीज़ को जाना जाता है। वैसे हिंदी में से गुच्छी बोलते हैं और मोरल मशरूम्स भी कहते हैं, मौशेला भी इनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज हम लोग इसकी टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी सब्जी इसकी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, और इसे शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विथ बेल नोटिफिकेशन ऑन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये इसमें जो धागा है ना, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये माला सी बनाई गई है। एक्चुअली इसको पिरोया इसलिए जाता है धागे में, क्योंकि जब हम लोगों को ये मिलते हैं तो उस टाइम गीले होते हैं, इकट्ठा करके रखेंगे इसको ढेर में तो खराब हो सकता है। वो इस तरह से माला में बांध कर रखा जाता है ताकि अच्छे से सूख जाए। सबसे पहले हम इनको अलग अलग कर देंगे और फिर इसकी मिट्टी निकालेंगे। पहले इसको काटे, पहले हम इसकी मिट्टी निकालेंगे थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद इसको पानी में रखेंगे भीगने के लिए। और नाइशा भी सो रही है, नविश और निवास लगे हुए काम में। तो इस बार ना हमारे, मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि बिल्कुल गुच्छियां ही नहीं लगी इस बार, अदरवाइज काफी ज्यादा मिल जाती थी। इस बार मौसम गर्म होने की वजह से ना बिल्कुल भी नहीं मिली ये एक सब्जी। अंकित के फ्रेंड ने गोलू, उन्होंने हमको दी एक सब्जी और थोड़े से हमको मिले थे, बाकी इस बार बिल्कुल भी गुच्छा नहीं लगी है। वो तो एक ये छोटा सा चेउंग, छोटा सा छोटी सी गुच्छी रह गई थी, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे गरम गरम पानी ताकि ये जो है ये सॉफ्ट हो जाए, और इसमें जो मिट्टी विट्टी होगी वो इसमें नीचे बैठ जाए पानी के बीच में। ऐसे रखते हैं इसको और थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से हम लोग धो लेते हैं गर्म पानी में। तो जब तक ये भीगते हैं पानी में तब तक मैं ग्रेवी तैयार कर देती हूँ तड़का लगा के। तो फाइनली हम लोगों की जो गुच्छी है दादी, ये मैंने तेल डाल दिया है, और ये गुच्छी देखो दादी ठीक होगी सॉफ्ट सॉफ्ट, तो ये ना पानी में डाल के बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है। नहीं, दादी बोल रहे पानी थोड़ा सा इसका निकाल देना, और उसके बाद इसको राड़ा देना, मतलब की जो ग्रेवी बनी उसमें थोड़ी देर इसको ड्राई पकने देना, उसके बाद पानी डालना है। अगर मैं आपको प्राइस बताऊं ना, इसका मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो अगर मैं प्राइस बताऊं इसका तो लगभग 25,000 से 30,000 रुपए किलो तक ये सब्जी रहती है सूखने के बाद। तो हमारी फैमिली के लिए लगभग 200 ग्राम तक गुच्छियां लग जाती है एक बार भी, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा है। ये देखिए आज हमारे पास इतनी है, थोड़ी कम है। हाँ चलो, इसके बाद इसमें तड़का लगने वाला है, और मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये गुच्छी की सब्जी। मैंने आज मम्मी को बोला कि मम्मी मैं बनाऊंगी, तो मम्मी बोल रहे थे अच्छे से बनाइयो, टेस्टी बनाइयो। दादी बोल रहे हैं कि आपको मसाला कूटने में तुम लोगों को आलस लगता है, बट जो पिसा हुआ मसाला होता है उसका टेस्ट अलग ही आता है। दादी अभी मेरे लिए मसाला पीस रहे हैं। दादी आपने क्या क्या पीसा है? दादी क्या क्या पीसा है पहले बताओ, ये क्या क्या पीसा है? दादी ने जीरा, धनिया और मेथी इसमें पीस लिया दादी ने, इधर देखिए। और अभी डालेंगे दादी, रुको थोड़ा गर्म होने दे। तो ये सिम करके डालती हूँ मैं, ये डाल दिया मैंने मसाला इसमें, इसमें जाएगा इसके बाद प्याज। तो प्याज हमने थोड़ा ज्यादा लिया था ताकि ग्रेवी इसकी ज्यादा अच्छे से बने, क्योंकि हमें ना इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ गुच्छियां ही होंगी। तो प्याज थोड़ा ज्यादा लें, और इसमें एक छिलका भी आ गया दादी, सॉरी दादी। जब पहले होते थे ना तब कितनी गुच्छियां मिलती थी? एक बार में दिन को। तो दादी बोल रहे हैं कि जब दादी छोटे होते थे तो इतनी गुच्छियां लगती थी, दिन के 100-100 गुच्छियां लाते थे, और वो भी जंगल की गुच्छियां, आप सोच सकते इतनी बड़ी बड़ी होती है जंगल की गुच्छी, ये तो इतनी है ना छोटी छोटी सी, जंगल में तो बहुत बड़ी बड़ी गुच्छियां मिलती है। तो दादी उस टाइम बेचते नहीं थे क्या? दादी बोल रहे कि उस टाइम पे ना जो गुच्छियां होती थी बिल्कुल सस्ती होती थी, कोई इस तरह की खास प्राइजेस नहीं थी जैसे अभी है। तो ये गुच्छी जो होती है ना, इसके इतने ज्यादा रेट्स प्राइजेस होने के कारण ये कि ये काफी ज्यादा इनकी मेडिसिनल जो चीज है वो बहुत ज्यादा है इसकी, तो इस वजह से गुच्छियां इतनी महंगी है। और बाकी अभी तक लैब में इन्हें प्रिपेयर नहीं किया गया, लैब में अंडर मतलब ये कंट्रोल्ड कंडीशन ये नहीं अभी तक बना पाए हैं साइंटिस्ट इसको। मैंने आपको एक ब्लॉग में पहले भी बताया था कि इसकी जो फ्रूट बॉडी होती है ना, जो ये वाला पार्ट होता है इसका, ये देखिए जैसे एक मिनट, तो जैसे ये देखिए ये एक गुच्छी है ना, तो इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाले तो साइंटिस्ट उगाने में सफल हो गए हैं,
बट इससे ऊपर वाली जो सॉरी दादी, बट इसके ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है इसको फ्रूट बॉडी बोलते हैं। ये अभी तक उनसे ग्रो ही नहीं हो पाया है, जितनी भी जो भी कंडीशन इसकी होती है जो भी हमारे अकॉर्डिंग होती है, बाकी तो नेचर को ही पता होगा कि एक्चुअल जो कौन सा पॉइंट मिसिंग है, कौन सी चीज है जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं इसमें, और उसकी उसके बिना ये जो फ्रूट बॉडी है ये तैयार नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं बाकी फ्यूचर में हो सकता है कि साइंटिस्ट इसको लैब में उगा दें, तो उसके बाद ऑब्वियसली इसके जो प्राइसेस है वो डाउन हो जाएंगे जब एक बार ये लैब में बनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग ना तड़के में बहुत कम लहसुन यूज करते हैं, और दादी बोल रहे कि लहसुन के बिना तड़का कोई तड़का होता है। एक्चुअली पता है कि लहसुन वैसे तो बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, बट हमारे घर में खाते नहीं है, तो इस वजह से आज मैं इसको पीस के डालूंगी। आई होप कि इसकी जो स्मेल है वो ना आए और टेस्ट अच्छा है। और देखो दादी हम लोग कितने ज्यादा वो हो गए ना, मतलब हर चीज हमको बनी बनाई चाहिए होती है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना बनाया चाहिए, अदरक और लहसुन अलग अलग से पीसने का कष्ट नहीं करेंगे हम लोग। मैं भी नहीं देखू, मेरे को भी खुद पकी पकाई डाल के सारा मसाला, मीट में भी चने बनाने पीस के डालना ये सारा मसाला इकट्ठा करके तभी स्वाद बनता था। और ना दादी बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं, कभी कभी दादी बनाते थे जब कभी हम लोग कहीं गए होते हैं बाहर, तो कभी दादी बनाते थे बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ब्राउन हो रहे दादी, इसको ब्राउन हो रहे थे पहले, मैं डालने वाली ना, जब ये ब्राउन होगा ना लाल मसाला तब जाके डालना ये टमाटर। ओके दादी, ओके ब्राउन होने देते, फूल लहसुन डाल दो, इसको डालेंगे दादी इसके बाद तब खुशबू नहीं आई। अभी लहसुन होनी चाहिए पहले डालेंगे लहसुन, आज ना दादी का किचन है क्योंकि अगर खराब बनेगी सब्जी मैं बोलूंगी दादी को बुलाया, मेरे को बोलना खराब बनेगा तो मेरे को बोलना, दादी ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खराब कभी बना ही नहीं सकते। क्या नेचुरल खुशबू आ रही दादी, देखो दादी आ रही है ना मसाला भी होने जी ड्रोन भी होने कच्चा नहीं जाती मसाला। ओके दादी मैं आपको पूछ के डालू चिंता मत करो। तो पता क्या ना, कल हम लोगों का साझा है, साझा यानी कि जो हमारे हमारा हिंदू नववर्ष होता है ना उसके मंथ का पहला दिन होता है। टमाटर और दादी बोले हो गया डाला, नमक अब डाल दो टमाटर के बल जाएंगे ना, और ये हरा धनिया ला दिया इधर देखिए मम्मी ने, ये इसके बाद गार्निशिंग के लिए इसमें, और यार डोंट माइंड कढ़ाई के लिए ये बिल्कुल साफ है बट ये बहुत पुरानी है पुश्तैनी कढ़ाई, जो मुझे रोज देखते हैं उनको पता है हमारे घर की पुश्तैनी कढ़ाई है ये, इसलिए काली है बेचारी गोरी नहीं हो पाती इतना रगड़ रगड़ के भी, बट आई लव ब्लैक खाला। ओ ग्रेवी रेडी हो चुकी है और अब इसमें जाएंगे ये मोरल मशरूम्स, मोशेला चेउंग गुच्छी कुल्लू में हम बोलते हैं छुंछरू, तो ये जाएंगे अब इसमें सीधे, और इसको देख के ना मुझे ऐसा कि कितना खा जाऊं उसको। दादी डाल दो, डाल दिए हैं, और ये ढोले दादी ने, दादी नमक ज्यादा क्यों डाल दिया ना, अभी डाल दी दादी बोले टेस्ट करने के पहले हम लोग क्या करते हैं खूंट रहे हैं देवता के नाम से, अल्टीमेट दादी प्लीज खाओ ना जल्दी आओ। तो मेरा बच्चा आ गया शो के उठ के रोते रोते, क्यों लोया तू बच्चा, रोया बेबी क्यों रोए, आपने केला छोड़ दिया था क्यों, मैंने बुआ को आपके पास रखा था बेबी। तो मम्मी मास्टर शेफ आ गया अब देखने, मम्मी कैसी है, मेरे से लग रहा है कि पक गई है, पक गई है वैसे छोटी छोटी हुई देखी, मास्टर शेफ निकुंज आएंगे अब, निकुंज मास्टर शेफ देखो प्लीज, इनकी साइड बहुत गुच्छे होती है, बहुत गुच्छे की सब्जियां खाते हैं, हाँ यस ठीक हो रहा है मम्मी बिल्कुल, इसको कच्चा भी तो खाते हैं, देखो जरा छोटी प्लीज ये बहुत कीमती है नीचे ना गिराए, नहीं तो आपको धोके यही खिलाऊंगी मैं, हाँ छोटी से बड़े और भी है, कैमरे की थोड़ी झूठ मत बोलो प्लीज, मास वाला स्वाद नहीं है दादी, देखो दादी आपकी आपकी सब्जी को नहीं कुंज की मासू वाला स्वाद नहीं बोलते, बाकी तो अच्छी है दादी ने बनाई छोटी, तो दादी को भैया देख मैं भी देखो दादी, मैंने पहले भी देखी दादी मेरे नहीं खत्म होंगे, तू फिर से टेस्ट कर, चलो फिर से मैं खा लेती हूँ, फिर मैं बड़ा जैसा चाहूँ खाऊंगी,
तैयारी वाला देती हूँ कैसी बनी है, क्योंकि पहले भी मैंने टेस्ट की थी। जो गुच्छे का स्वाद होता है ना वो बिल्कुल मतलब अलग होता है, बिल्कुल जो हम मशरूम खाते हैं नॉर्मल जो मशरूम होता है बिल्कुल उनसे अलग स्वाद होता है। ठीक है दादी, ऐसा बताया ना दादी, बोल रहा मेरी रेसिपी ऐसा बनाना, ऐसे ही खुद बना देना, एक दिन आप खुद बनाना, हम खाएंगे आपके हाथ का। तो बहुत ज्यादा टेस्टी बन गया और ये सब्जी पक गई है। बस मम्मी ने जी कहा कि इसको तो कच्चा भी लोग खा लेते हैं, मतलब भून के भी खाते हैं, तो इसको ज्यादा पकाने की वैसे जरूरत है नहीं मेरे अकॉर्डिंग भी, ये अब पक ही चुकी है। दादी ने भी, दादी पक गई ना, दादी भी पकी है। और ये देखिए ये ग्रेवी वाली मैंने बनाई है, तो ये देखिए जी। और मम्मी ने ना तब तक इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है और मैंने अब इसको बंद कर दिया क्योंकि ये हमारी रेडी हो चुकी है पक के। और अभी थोड़ी देर में जब हम लोग डिनर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसी लगी सब लोगों को। फिलहाल ये सब्जी रेडी हो चुकी है, तो आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना ये तो बहुत ज्यादा लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को खाना खुना खा के कल मैंने आपको बताया कि हमारे साझा, हमें साझे की तैयारियां करनी है। साझे के लिए हम लोगों को बाबरू बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, बहुत सारी चीजें बनानी, तो वो मैं आपको कल नए ब्लॉग में बताऊंगी क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो गया है। सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसका जो टेस्ट था वो हम लोगों ने अभी आपको बता दिया। बाकी जो डिनर करते हो बाकी लोगों के रिव्यूज मैं ले लूंगी, वो कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।